भक्तों को दर्शन देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जय श्री राम। इनके पापा से पूछ। आज आपके आग्रह पर स्पेशली पुलिस वालों से विनती की गई है कि किसी को असुविधा ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके लिए असुविधा करें। कॉरिडोर खाली कर दो, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। मंच पर वही लोग बोल रहे थे राम राम राम, ये दो नाम इनमें शामिल किए गए हैं। ये कार्यक्रम शुरू होने के टाइम स्टूडियो के पास पहुंच गए। ये सोच के आए कि अपने मन की जो इच्छा है वो बताने आए हैं। जो गन थी उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा। जब गूंजे श्री राम का नारा, जय श्री राम, तबला खोलो राम सिया राम सिया राम। मॉनिटर नहीं आ रहा। नेट प्रॉब्लम है ना अभी। की बोल तबला जी किसान दूसरा दिन आज चढ़ाया। अरे भक्त का बहुत बड़ी देन है। आर्य साहब ने पहले बाबा रामदेव जी को पठानकोट की धरती पे लेके आए, अब शास्त्री जी को हमारे बहुत ही हम उनका आदर मान करते हैं। शास्त्री जी का जिन्होंने पठानकोट की धरती पे ऐसी बहुमूल्य लाके पेश की है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। राम ही केवल प्रेम सभी की मनोकामना पूरी करें। जो भी लोग यहाँ आए हैं वो खुशी खुशी अपने घर जाएं और उनकी हर मनोकामना जान ले। ही जो तिरंगे जयकार है, वीर बजरंगे जयकार है, वीर बजरंगे। क्या सोच कर आए आप यहाँ पे? उनको सब पता है। आज लगाई है आपने? कुछ नहीं लगाया पर उनको सब पता है। वो दर्शन करने आए हैं। दर्शन करने आए हैं, तर्जी लग जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? इतने भक्तों की भीड़ है यहाँ पे और आपने देखा ही है कितनी भीड़ है। आपने तो यही कहती हूँ, पंजाब में तो वैसे भक्ति बहुत है, इन्होंने आके तो मुझे पंजाब में तो वैसे ही भक्ति बहुत है। वो
बहुत अच्छा लगा मेरे को, आपको भी बहुत अच्छा लगा। सर मेरा नाम रमन कुमार हम दीनानगर पंजाब से। बस यही कहना चाह रहे हैं कि बागेश्वर सिंह धाम सरकार जो गुरु जी इधर आए हैं हमें बहुत खुशी है, तो इधर संगत भी बहुत ज़्यादा आई है दर्शन के लिए, तो हमें बहुत खुशी है। हम एक बार बागेश्वर धाम भी गए हैं। उसी पल में महाराज जी मंच पर आने वाले हैं। हाँ जी अर्जी लगा रखी, जैसे कि कल ठीक 3 बजे दिव्य दरबार से आए महाराज जी, एक साल से जुड़े आने वाले हैं। हमें काफी अच्छा लगता है, गुरु जी बहुत अच्छे हैं और उनकी जो वाणी में बहुत मिठास है। गुरु जी राम प्रकाश जी जहाँ कहीं हूँ मंच पर आए, राम प्रकाश जी बागेश्वर धाम की, गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, हम सबके मध्य में पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन बस 10-15 मिनट में होने वाला है। निश्चित ही आप सब भाग्यशाली हैं और आपकी भावना इतनी प्रबल है कि निश्चित ही गुरुदेव भगवान आपके प्रेम आग्रह पर यहाँ पधारे हैं। यत्र तत्र जो घूम रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि आकर के अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। मुझे खुद भी समझ में आ रहा है कितना खुशी हुआ, सबसे जुड़े हुए आप। और कुछ ही क्षणों में गुरुदेव भगवान का आगमन होगा, दक्षिणा लेना चाहता हूँ हम सबके मध्य में, नहीं ले पाया हूँ। अब आज तब तक भगवान के नाम का कीर्तन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सभी लोग बड़े भाव से कीर्तन करें, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता। यहाँ जो भक्त जुड़े हैं उनसे तो हमारे साथ मौजूद हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? सर कब से मतलब श्री बागेश्वर धाम सरकार जी को कब से आप जाने लगे? क्या कहना चाहेंगे आप, आज उनका भी दरबार लगेगा? भगवान की है, धन्यवाद है जी, बिल्कुल वो हम भरोसा भी करते हैं। और दरबार में आने के बाद बहुत सारे एक्सपीरियंस मिल रहा है। आज मैं जज हूँ संजमन को, यही का आशीर्वाद, यही का आशीर्वाद है कि आज का जेल जॉब से रिटायर होने के बाद दूसरी जॉब में आते हैं। बजरंगे जयकार आए वीर बजरंगे, जयकार आए वीर बजरंगे। और आप उनसे पहली बार मिले जीव दरबार में, कब पता लगा आपको कि इनका पठानी प्लान है? क्या कहना चाहेंगे इतने भक्तों की भीड़ है यहाँ पे, आपने देखा ही है कितनी भीड़ है। आप क्या कहना है? तो यही कहती हूँ पंजाब में तो वैसे भक्ति बहुत है, इन्होंने आके तो पंजाब में तो वैसे ही भक्ति बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा आपको, तो आपको मेरी बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे पीछे बैठे मेरा नाम रमन कुमार हम दीनानगर पंजाब से आए। क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाह रहे हैं कि बागेश्वर धाम सरकार जो गुरु जी इधर आए हैं हमें बहुत खुशी है, तो इधर संगत भी बहुत ज़्यादा आई है दर्शन के लिए, तो हमें बहुत खुशी है। हम एक बार बागेश्वर धाम भी गए हैं। उसी पल में महाराज जी मंच पर आने वाले हैं। हाँ जी अर्जी लगा रखी, जैसे कि कल ठीक 3 बजे दिव्य दरबार से आए महाराज जी, एक साल से जुड़े आने वाले हैं। हमें काफी अच्छा लगता है, गुरु जी बहुत अच्छे हैं और उनकी जो वाणी में बहुत मिठास है। गुरु जी
राम प्रकाश जी जहाँ कहीं हो मंच पर आए राम प्रकाश जी। बागेश्वर धाम की, गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, हम सबके मध्य में पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन बस 10-15 मिनट में होने वाला है। निश्चित ही आप सब भाग्यशाली हैं और आपकी भावना इतनी प्रबल है कि निश्चित ही गुरुदेव भगवान आपके प्रेम आग्रह पर यहाँ पधारे हैं। यत्र तत्र जो घूम रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि आकर के अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। कुछ ही क्षणों में गुरुदेव भगवान का आगमन होगा हम सबके मध्य में। तब तक भगवान के नाम का कीर्तन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सभी लोग बड़े भाव से कीर्तन करें। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीता। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता सबसे अच्छा, डिफेंस रोड ममून पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर डलहौजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर डलहौजी रोड। इंटरनेट की दुनिया का है ये बादशाह, जियो का जादू फैले हर जगह। दाम दम भी है, स्पीड में दम भी है, एंटरटेनमेंट का तड़का लगा। अब हर घर चलेगा, हर घर चलेगा, हर घर चलेगा जियो फाइबर। हर घर अब हर घर 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 जियो फाइबर। टीवी पर लेटेस्ट एपिसोड मिस हो जाए तो जियो टीवी में जाकर उसे कभी भी चलाए। 550 से अधिक टीवी चैनल्स और हॉटस्टार, सोनी लिव, जी जैसे एप्स का भंडार। अल्ट्रा हाई स्पीड से एंटरटेनमेंट मिलेगा मजेदार। जीरो सिक्योरिटी डिपॉजिट, सेट टॉप बॉक्स भी मिलेगा फ्री। जब प्लान शुरू हो सिर्फ 399 से तो बजट की नो वरी।